सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब हर सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को बजाना अनिवार्य हो गया है। साथ ही स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के बजने के समय सम्मान में खड़ा होना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चौकसी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिका में मांग की गई थी कि सिनेमा हॉल में हर फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्रगान बजाया जाए। राष्ट्रगान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं अपना फैसला सुनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रगान बजाए जाने को लेकर किसी व्यक्ति को कोई व्यवसायिक लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रगान का किसी भी तरह का नाट्य रूपांतरण नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र को एक सप्ताह के भीतर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान को छापा या दर्शाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 1 नवंबर को इस मामले पर पहली सुनवाई की थी। तो अब हर सिनेमा घरों में फिल्म पर्दे पर दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी का खड़ा होना अनिवार्य होगा। देखते रहिए डीपी लाइव।